सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग एंड सभी का बहुत वेलकम है नेट किंग गेमर्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद या थोड़ी सी वीडियो बनी है, थोड़ी सी मसरूफियात वगैरह थी इस वजह से नहीं बनी। तो काफ़ी लोग यार डिमांड यही आ रही थी कि WCC3 के जो है ना हेड बटन कंट्रोल के ऊपर बैटिंग टिप्स बताए न्यू अपडेट के ऊपर, क्योंकि न्यू अपडेट भी आ चुका है तो उसके ऊपर प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करो यार, अगर पसंद आती है तो, ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज यार हम यहाँ पे एक NPL का फ्री जो आजकल चल रहा है जो मोड है तो उसको हम ऑन करेंगे, ज़रा इस पर खेलते हैं। तो सो सेटिंग पे आ जाए कि हेड बटन आपने क्लिक कर देना है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ हेड बटन के ऊपर, आप चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप देख सकते हो जाके। लेकिन जो कि न्यू अपडेट के ऊपर अभी बनाई है तो इसमें यार आपको थोड़े से कंट्रोल्स काफ़ी चेंजिंग है। स्वाइप कंट्रोल अलहदा है एंड पुल एंड रिलीज भी अलहदा है, तो क्लासिक कंट्रोल जिसको कहते हैं वो भी बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट आपके पास सिर्फ ये पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे आपके पास, अगेन बताऊँ 4 डिफरेंट कंट्रोल्स है इसके ऊपर, ठीक है। लिफ्टेड शॉट है, एडवांस है, एंड जॉयस्टिक है, यहाँ पे लीव एंड हिट है। यहाँ पे हम तो मिनिमम आपके पास 2 चीज़ें आपके पास 3 चीज़ यूज़ होती है, एक लिफ्टेड शॉट है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जॉयस्टिक है, साथ ही हिट बटन है। अब जो जॉयस्टिक को ना जो आपने एक जगह पर रख देना है, उसके बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिफ्टेड शॉट पर क्लिक कर देना है एंड जॉयस्टिक को एक जगह पर रख देना है। देन जैसे आपने हिट करना हो तो वहाँ पर आप हिट पर क्लिक करके आप शॉट मार सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो शॉट मारते हो, यानी यहाँ पे आपको देखना ये भी पड़ेगा कि मैप के ऊपर यहाँ पे फिल्टर नहीं हो, पावर प्ले के अंदर हम खेल रहे हैं 20 ओवर्स का मैच, यानी यहाँ पे अपने बैटिंग मीटर की तरफ भी देखना, ये देख रहे हो लेट शॉट लगी है तो यहाँ पे क्योंकि फिल्टर नहीं था बाउंड्री के पास नहीं, तो अदरवाइज कैच था, इजी कैच था। तो यहाँ पे आप मैप की तरफ भी देखो, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, पावर प्ले के अंदर ही फिल्टर खड़े हुए। तो ऐसे साइड पे आपने शॉट मारना है जहाँ पे अगर आपका लेट एंड गुड शॉट भी लगे तो आपका कैच ना हो सको, ज़्यादा लेट शॉट मारनी भी नहीं है। जो रेड कलर के एरिया आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आप शॉट मारोगे तो ईजी कैच हो सकता है, पावर प्ले के अंदर ही कैच हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो बैटिंग मीटर की तरफ भी देखना। अब यहाँ पे अगेन आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जॉयस्टिक को मैंने एक जगह पे रख दिया, मैप की तरफ देखो, यहाँ पे मैं एक ग्राउंडेड शॉट मारूंगा, एडवांस पे क्लिक करें, आगे चल के मैं बताता हूँ ये एडवांस के लिए, यही लिफ्टेड ग्राउंडेड शॉट है, मतलब आप ग्राउंड के अंदर सिंगल्स वगैरह ले सकते हैं, गैप में आप शॉट मार सकते हो। यहाँ पे हमारे पास गैप एक शॉट मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जॉयस्टिक को भी रख लिया, एडवांस पे क्लिक ऑलरेडी हमने रख के छोड़ दिया, अब मैंने सिर्फ हिट करने है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब बॉल को मैं मारूंगा टाइम करने के लिए तो यहाँ पे हिट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देखो येलो कलर के पास है, ग्रीन कलर के पास बिल्कुल है, परफेक्ट शॉट नहीं लगा, लेकिन ये कि येलो कलर के पास आप सेफ़ रहते हो एंड ये ऑरेंज कलर के पास ये आप थोड़ा बहुत सेफ रहते हो, लेकिन आपको यही टाइम के आपको पास जो है ना वो ना हो। यहाँ पे एक रन भी आप लग रन का ऑप्शन है, यहाँ पे ये स्प्रिंट, अगर आपको इजीली अगर बॉलर के पावर प्ले के अंदर अगर बॉलर के पास फील्डर के पास बॉल जाते हो तो आप स्प्रिंट करके आप जल्दी से रन काफ़ी तेज़ी से ले सकते हो। यहाँ पे अगेन शॉट मारे चक्का, यहाँ पे देखो बैटिंग मीटर ग्रीन कलर का है तो परफेक्ट शॉट लगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं कि आपको बैटिंग जो टाइमिंग मीटर है थोड़ा सा धोखा दे जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे गौर से देखना होगा एंड अपना कंट्रोल आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। नहीं। तो वीडियो अपने पास आप लोग सेव कर लो ताकि आप लोगों को बार बार मसला ना आए एंड देख सो बैटिंग मीटर की तरफ देखो, हमने जॉयस्टिक घुमा दिया, लिफ्ट पे क्लिक किया एंड परफेक्ट शॉट लग चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिफ्टी शॉट पे क्लिक करना है आप लोगों ने, दोबारा अगेन बता रहा हूँ ये, जैसे आप लिफ्ट पे क्लिक किया साथ ही जॉयस्टिक को मैंने इस जगह पे रख दिया, ठीक है। अब मैं शॉट मारने के लिए हिट को क्लिक करूँगा ओनली, बस आपने सब चीज़ें एक जगह पे रख देनी है, लोग अपना जॉयस्टिक को भी एक जगह पे रखना है, लिफ्ट पे ऑलरेडी आप क्लिक कर चुके हो, और चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइमिंग करनी हिट के ऊपर क्लिक करना है सिर्फ। तो जैसे कि WCC2 के अंदर स्टार्टिंग में था हिट बटन ही था, तो यहाँ पे भाई साहब ये देखो लिफ्टी शॉट किया गया है, नियर साइड पर हम शॉट मारेंगे तो यहाँ पे यार बिल्कुल परफेक्ट शॉट के पास लगने वाला, लेकिन ये बॉल काफ़ी स्पीड से गया बाउंड्री के पास, जो चौका हो चुका है क्योंकि गैप था हमारे पास। तो यहाँ पे एक 50 पी होने वाली है इस अगेन फील्डर की, अमित राधू की, चेन्नई सुपर किंग की, तो अली शॉट लगी, यहाँ पे देखो फील्डर नहीं था, अगर इसके थोड़ा सा आगे करके मारता तो ये पावर प्ले के अंदर इसने कैच पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बैटिंग करनी है, गैप्स ढूंढने अगर आप ग्राउंड शॉट मारते हैं, अगर लिफ्टेड शॉट्स मारते हैं तो आपको देखो कि फील्डर वहाँ पे नहा नहीं खड़ी हो बाउंड्रीज के पास। तो आपका अगर लेट शॉट भी लग जाते ऑरेंज कलर के ऊपर या येलो कलर के ऊपर, अली शॉट लग जाते या येलो कलर के ऊपर लेट शॉट भी लग जाते, टेंशन नहीं है, गुड शॉट भी। तो इसी प्रकार से आपने बैटिंग करनी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आएगी, यार बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा थोड़ा सा शोर वगैरह, सो जैसे मैं बार बार बीच में कट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो कि हिट बटन कंट्रोल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में तरीका, इसी प्रकार से आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम स्टार्टिंग में आपने देख लेना, 2-3 कंट्रोल है उसको यूज़ करो एंड छक्के मारो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।